आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। युवा सामाजिक कार्यकर्ता लालू गभेल की सक्रियता से 65 वर्षीय बुजुर्ग गरीब बलदेव सुधार को मिला समय पर इलाज। बुजुर्ग गरीब मरीज को बिना देखे गेट से ही वापस कर रहे थे ड्यूटीरत डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता लालू गभेल जमकर बरसे और बीएमओ को बुलाकर कराया इलाज। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र सिदार के सहयोग से त्वरित शुरू हुआ बुजुर्ग बलदेव का इलाज। बीएमओ भी बोले अस्पताल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मालखुद क्षेत्र के ग्राम रनपोटा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग गरीब बलदेव सिंह सिदार की आज दिनांक 23 मई को तबियत बिगड़ने से दोपहर को उसके परिजन मालखुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां ड्यूटीरत डॉक्टर और स्टाफ बिना कुछ जांच पड़ताल व प्राथमिक उपचार के बुजुर्ग को बाहर ले जाने की बात कहने लगे और इलाज करने से मना कर दिए, जिसको लेकर परिजन मालखुद के युवा सामाजिक कार्यकर्ता लालू गभेल को फोन किए, जहां लालू गभेल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और ड्यूटीरत डॉक्टर को इलाज के लिए बोले, परंतु ड्यूटीरत डॉक्टर ने बिना कुछ जांच और प्राथमिक उपचार किए बाहर ले जाने की बात कहने लगी, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता लालू गभेल भड़क गए और जमकर बरसे। फिर बीएमओ डॉक्टर रविंद्र सिदार को फोन किए, जहां बीएमओ तत्काल पहुंचे और बुजुर्ग बलदेव सिंह सिदार को भर्ती कराकर त्वरित इलाज किए। इस दौरान लालू गभेल ने बीएमओ डॉक्टर रविंद्र सिदार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मालखुर्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है, उन्हें मानवता और सेवा भाव से काम करने के साथ साथ मरीजों की प्राथमिक उपचार तत्काल कराने की बात कही। श्री गभेल ने कहा कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के अच्छे व्यवहार से मरीजों के आधा बीमारी दूर हो जाते हैं और परिजनों को बल मिलता है। लालू जी की सक्रियता से आज एक बुजुर्ग की जान बची। उनके बड़े सुपुत्र चमकलाल सिदार ने लालू गभेल जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। गभेल जी, आज मालखुर्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या हुआ? जी देखिए, रनपोटा निवासी श्री बलदेव सिंह सिदार जी उम्र 65 वर्ष को लेकर आए थे उनके परिजन, और वहाँ जो ड्यूटीरत डॉक्टर थे, स्टाफ थे, उनके द्वारा उनको बिना जांच पड़ताल, बिना प्राथमिक उपचार के वापस भेजा जा रहा था। उनके परिजन मेरे को फोन किए, मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाकर मैं ड्यूटीरत डॉक्टर को निवेदन किया कि इसका प्राथमिक उपचार करिए करके, लेकिन उनका कहना था कि इनको यहाँ उपचार नहीं करेंगे, इनको बाहर ले जाइए। इसमें मैं थोड़ा सा भड़का उनके ऊपर और तुरंत बीएमओ साहब को फोन किया, और बीएमओ साहब तुरंत आए। वो स्वयं बीएमओ साहब उनको पकड़ के एडमिट किए, उनको लेटाए और उनको उपचार शुरू किए, और अभी वर्तमान में बलदेव सिंह सिदार जी का उपचार चल रहा है। भैया, बलदेव सिदार ला लेके आए हैं तो का कहनी है? डॉक्टर मन लेके आया था जब हम निहान तो हम लोग पहले भगा था गेट से, है ना, डॉक्टर जो है तुमन, फिर हम लालू भैया फोन करें, फिर वो आई, तो फिर ओकर बाद जो भी ना ओकर सहायता से मतलब फिर ओकर इलाज हमारी जो भी स्टार्ट हुई से भाई, और आज भी इलाज चला थे अभी ना। तो बलदेव सिद्धार्थ के कौन है? मैं ओकर लड़का हूँ। का हुई से अस्पताल में मालखुर्दा के? अस्पताल आए हैं तो इलाज उलाज नहीं करत रही से, फिर लालू कभी बुलाए तो मतलब डांट फटकार करी, तेकर बाद इलाज चालू करी से, अभी इलाज चला थे।